students we will study about the chapter of social studies that is geography chapter number 4 agriculture backbone of indian economy so let's start the remaining paragraph rice rice is the most important staple food crops of tropical and subtropical regions and major food crop of the world it is a kharif crop which require a high temperature of above 26 degrees celsius and a rainfall of more than 100 centimeters. It grows best in alluvial soil with a top clay layer that allows standing water. And the leading producer of rice in the world is China, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. अब जो चावल है बहुत ही important खेती है अनाज है जो कि tropical यानि कि जो सदा बाहर या subtropical regions होते हैं वहाँ पर उगाया जाता है संसार में और ये तारीफ की जो खेती होती है जो मांग होती है वहाँ के हाई टेम्परेचर की जो कि 26 डिग्री सेल्सियस का रहता है और रेनफॉल जो है वहाँ ज़्यादा होता है 100 सेंटीमीटर तक और ये जो है ऑलिल सॉइल होती है जिसमें ये बेस्ट उगता है और इसमें जो लेयर होती है पानी के बीच में ये खड़ी रहती है खेती तो इसका उत्पादन चावल का पूरे उसमें वर्ल्ड में किया जाता है जैसे चाइना फॉलो करता है इसे चाइना और इंडिया जापान श्रीलंका एंड इजिप्ट में भी इसे फॉलो किया जाता है जो चाइना है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का ठीक है बाकी और इंडिया जापान श्रीलंका और इजिप्ट में भी इसे इसका उत्पादन किया जाता है नेक्स्ट है वीट यानी गेहूँ वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप नेक्स्ट टू राइस इट इज़ अ रबी क्रॉप इन द temperate reason wheat require moderate temperature of 10 to 15 degrees celsius and rainfall of about 50 to 75 centimeters during the growing season and bright sunshine at the time of harvest it requires a well drained loaming soil for its growth wheat is ex extensively grown in the temperate grasslands of usa canada अर्जेंटीना रशिया यूक्रेन एंड ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया इट इज़ अ रबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर यानी कि जो गेहूँ होता है वो सेकंड लास्ट इम्पॉर्टेंट फूड है uh, चावल के बाद जो रबी क्रॉप्स हैं वो टेम्परेट क्षेत्रों में होती है और गेहूँ की जो मांग होती है वो आधुनिक टेम्परेचर के ऊपर आधारित होती है दस से पंद्रह डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और रेनफॉल जो है यहाँ पर लगभग पचास से पचहत्तर सेंटीमीटर होती है जो कि ग्रोइंग सीजन के दौरान में और जो ब्राइट सनशाइन है वो हार्वेस्ट के टाइम में रहती है मांग इसकी ये होती है कि जब ड्रेनड लोमिंग सॉइल होता है इसकी ग्रोथ के लिए और वीट जो है वो टेम्परेट ग्रास लैंड में जो है उगाया जाता है जैसे कि यूएसए कनाडा अर्जेंटीना रशिया यूक्रेन एंड ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी और ये जो रबी क्रॉप्स है वो विंटर में उगाया जाता है Next millets, Sianigi Bajra. The millets are known as coarse grain. As they can be grown in the areas of less fertile soil with the low rainfall, they grow in areas of high to moderate temperatures. There are three examples of millets known as Ragi, Bajra, and Jawar. Some of the leading countries where millets are grown are India, Nigeria, and China. तो जो बाजरा है वो बहुत ही खुदर या अनाज के रूप में जाना जाता है और इसको जो उगाया जाता है वो बहुत ही कम उपजाऊ जमीन में मिट्टी में उपजाया जाता है और इसके लिए कम बारिश की जरूरत होती है ये जिस क्षेत्र में उगाया जाता है वहाँ पर हाई मॉडरेट टेम्परेचर होता है और तीन इसके एग्जाम्पल्स हैं यानी बाजरा के जो जाने जाते हैं वो है रागी बाजरा और जवार और इसका जो सबसे लीडिंग कंट्री है जहां इसे उगाया जाता है बाजरे को वो है इंडिया नाइजीरिया और चाइना नेक्स्ट है मेज यानी मक्का मेज इज नोन एज कॉर्न विच इज बोथ अ फीड एंड अ फूड क्रॉप्स एज वेल इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल इट ग्रोज बेस्ट इन वेल रेन फर्टाइल सॉइल्स एंड मेजर मेज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉर्थ अमेरिका ब्राज़ील चाइना रशिया कैनेडा एंड इंडिया मक्का है वो भी अनाज में जाना जाता है और खाया भी जाता है तो ये फूड क्रॉप जो है वो काफ़ी अच्छा होता है और इसकी मांग होती है मॉडरेट टेम्परेचर और बारिश तो इसे जब उगाया जाता है तो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉयल होना चाहिए सूखा और जो मेजर मेज़ है यानी मक्का जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है संसार के बहुत कंट्रीज में जैसे नॉर्थ अमेरिका ब्राजील चाइना रशिया कैनेडा एंड इंडिया में नेक्स्ट है कॉटन यानी कि सूत कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन रीजन इज रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल टू हंड्रेड टेन फ्लोर्स डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ कॉटन ग्रोज बेस्ट इन Black and olive oil soils. The major producers of cotton in the world are China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt. It provide raw material for the cotton textile industry. अब जो कॉटन है यानी कि सूत है वो फाइबर अनाज है और ये उगाया जाता है ट्रॉपिकल क्षेत्रों में और इसकी जो मांग होती है हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल होती है यानी कम बारिश ठीक है और 210 जो है फ्रॉस फ्री डेज होते हैं इसके एंड बहुत चमकदार सनशाइन जो है ग्रोथ के लिए इसके चाहिए और कॉटन जो है वो बेस्ट जो उगता है वो काली और एलिवल सॉयल यानी मिट्टी में उगता है अब इसका जो मेड जो मेजर उत्पादक कॉटन का है पूरे संसार में वो है मेजर जो उत्पादन जो कंट्रीज़ करती हैं इसका चाइना यू इंडिया पाकिस्तान ब्राज़ील और इजिप्ट करती हैं और ये जो है कच्चे मटेरियल में प्रोवाइड करवाया जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को next is jute it is known as the golden fiber because of its color india also earn valuable foreign exchange by the export of jute goods it, uh, it requires high temperatures high rainfall and olive oil soil for its growth it is a crop of subtropical uh, tropical region the two leading producers of jute in the world are india and bangladesh यानी कि जो जूट होता है वो जाना जाता है गोल्डन फाइबर के नाम से क्योंकि इसका जो कलर होता है वो अपने कलर से जाना जाता है और ये भारत में इसका जो अर्न होता है यानी कमाया जाता है ये वैल्यूबल फॉरनस में एक्सचेंज किया जाता है इसके द्वारा एक्सपोर्ट भी होता है जो जूट है वो अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया जाता है अब जो इसकी मांग है वो हाई टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी इसमें चाहिए होता है और एलवल्स जो मिट्टी होती है उसमें ये उगाया जाता है अब ये जो अनाज है वो ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगाया जाता है और इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसर हैं यानी लीडिंग उत्पादक जो हैं जो जूट को उत्पादन करते हैं जिस जूट का वो कंट्रीज़ हैं इंडिया और बांग्लादेश नेक्स्ट है कॉफ़ी कॉफ़ी इज अ बर्वरेज क्रॉप क्रॉप एज वेल एज अ प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन वार्म एंड वेट क्लाइमेट रीजन हैविंग वेल ड्रेन लोमी सॉइल इस कल्टिवेशन इज़ कन्फाइंड टू हेल स्लोव द मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ब्राज़ील कोलंबिया एंड इंडिया कॉफ़ी जो है एक uh, बवरेज क्रॉप है और यह बहुत अच्छे से जो वृक्षारोपण जो खेती है वहाँ उगाया जाता है इसके लिए वाम और जो है गीला जलवायु चाहिए होती है और क्षेत्रों में उनमें उगाया जाता है ये तो इसके लिए वेल ड्रेन लोमी सॉइल मिट्टी होनी चाहिए जो खेती है वो हिल्स uh, एरिया पे की जाती है ठीक है तो ये जो इसका उत्पादन जो बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन करती है वो कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील कोलंबिया और इंडिया नेक्स्ट है टी यानी कि चाय इट इज़ अ बवरेज एज वेल एज प्लांटेशन क्रॉप इट इज इट रिक्वायर्स अ कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर इट्स ग्रोथ हिल रोव्स आर प्रेफर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एज इट्स नीड्स

रिक्वायर है यानी कि जो मांग है वो ठंडा क्लाइमेट है जलवायु ठंडी होनी चाहिए और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग इसकी होती है वो हाई रेनफॉल होती है पूरा साल में जो इसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग में और ये काफ़ी पहाड़ी या फिर स्लो एरियाज़ में की जाती है इस तरह की खेती और ड्रेनेज लोमी सॉइल इसकी मांग होती है जो ज़रूरत होती है इसकी तो इस तरह की जो लीव्स वगैरह हाथ से तोड़ी जाती हैं और जो कंट्रीज जैसे उगाती हैं वो हैं केनिया, इंडिया चाइना एंड श्रीलंका नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंसर्टेड एफर्ट टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सेवरल इंक्रीज द नेट सोन एरिया The number of crops grown, provision of irrigation use of chemical fertilizers and high yielding variety of seeds. introduction of machines machinized. Agriculture is another major step towards increasing the agricultural productivity. Agriculture development is aimed as providing food security of the people. अब जो कृषि डेवलपमेंट जो है रेफर किया जाता है कंसर्ट जो एफर्ट इसके डाले जाते हैं प्रभाव होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है इसकी बढ़ोतरी की जाती है एग्रीकल्चर की यानी कि उसके कृषि उत्पादन में जो भी बढ़ोतरी की जाती है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है जो मतलब जनसंख्या की मांग होती है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो है इसमें डेवलपमेंट किया जाता है कई प्रोग्राम्स हैं जो जिनसे इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसानों को और ताकि इनकी जो इनका जो नेट है जो सोन एरिया का जो बीज जिन क्षेत्रों में बोए जाते हैं उनको इंक्रीमेंट मिल सके इंक्रीज हो सके वो और काफ़ी नंबर्स में जो खेती है उनका उत्पादन हो सके तो ये जो खेती है इसमें केमिकल्स फर्टिलाइज़र जो हैं वो उच्च किस्म के वैरायटी के सीड्स भी यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी सारी मशीन्स का भी जो है इंट्रोड्यूस इसमें किया करवाया जाता है इस एग्रीकल्चर में और इसके लिए बहुत बड़े बड़े कदम इसको इसकी इंक्रीमेंट्स जो इंक्रीमेंट होता है इनको बढ़ोतरी के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वो पर्याप्त कदम उठाए जाते हैं ताकि जो इसका उत्पादन है वो बढ़ाया जा सके अब जो कृषि का जो डेवलपमेंट है वही एक मेन लक्ष्य है ताकि वो जो है प्रोवाइड करवा सके फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल यानी लोगों को एक सुरक्षित जो खाना है वो प्रोवाइड करवा सके यही इसीलिए इसका जो एक मेन लक्ष्य है कि इसका उत्पादन भी वो लोग बढ़ाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे कदम हैं जो इस और उठाए जाते हैं